हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए J7 प्राइम की अनबॉक्सिंग करूँगा और इसके जो भी फीचर्स हैं वो भी मैं बताऊँगा। चलें अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ तो उसको भी दबा लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका रिव्यू और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं जल्द ही इस मोबाइल का रिव्यू भी आपको पोस्ट करूँगा। चलें अब इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मोबाइल है सैमसंग गलेक्सी J7 प्राइम। इसके फीचर्स फुल मेटल बॉडी में है, ये मैंने गोल्ड कलर में परचेज़ किया है। सिर्फ 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है। फिंगरप्रिंट सपोर्टेड है। 4 GB लाइट, 16 GB क्वाड कोर प्रोसेसर है इसका। 13 मेगापिक्सल और प्लस बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है इसका। 16 GB रोम मेमोरी है इसकी। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास फ़ोन आ गया है, इसको निकाल के साइड में रख लेते हैं। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये कुछ बेसिक पेपर गाइड, ये वारंटी कार्ड है, ये और इसका कौन पड़ता है। ये आ गई आम जो सैमसंग की ऑफिशियल हैंड फ्रीज, डेटा केबल्स, और ये 2 एम्पेयर का चार्जर है सैमसंग का, और इसके अलावा और कुछ बॉक्स में नहीं। और ये सिम इजेक्टर टूल, बस यही सब है बॉक्स में। अरे अब इस फ़ोन को बूट अप कर लेते हैं। पावर्ड बाय J7 प्राइम। चले मैं इसको बूट अप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बूट अप हो रहा है। अब ये फिंगरप्रिंट का गुजर रहा है। अब देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट किस तरह का है। पिन लगा देता हूँ। फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं इसका। इसका फिंगरप्रिंट मेरे बाकी मोबाइल के मुकाबले में काफ़ी तेज़ है इसका फिंगरप्रिंट। ये सेटअप हो गया है। डेटिंग, फिनिश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल पूरा बूटअप हो चुका है। स्टार्ट कर देते हैं। ये हैं इसके फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशंस। चलिए इसका वर्जन देख लेते हैं। देखिए ये नो कट अपडेट पे चल रहा है। नोकट अपडेट पे है ये फोन। कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसकी एक रिव्यू की वीडियो भी, वो भी मैं कुछ दिनों में पोस्ट कर दूंगा और मेरे क्या ओपिनियन होंगी इस मोबाइल के, वो भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज हुज़ैफ़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। और ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये मोबाइल मैंने 30 से 35 हज़ार की रेंज में बाय किया है। ये मेरे क्या ओपिनियन है इस मोबाइल के बारे में, ये मैं आपको बस अगले इसके रिव्यू में बता दूंगा। और जो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपनी राय का इजाज़ कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं।